गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर, एक नया वीडियो लेकर। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज आपकी रहेगा BCCI बोर्ड ऑफ काउंसिल इन इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया। इसके बाद करते हैं, इसके अपनी बात करते हैं, इसकी स्थापना की, स्थापना की इसकी 1928 में। हेडक्वार्टर की बात करें, वानखेड़े स्टेडियम, तो ये वानखेड़े स्टेडियम है कहाँ, ये है मुंबई। मुंबई की बात करें तो मुंबई है महाराष्ट्र, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। इसके उपरांत बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, इसके अध्यक्ष है रोजर मिनी। रोजर मिनी इसके अध्यक्ष ने ये करंट का क्वेश्चन बात किया। अध्यक्ष के बाद में आते हैं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष इसके राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला। इसके उपरांत हमने दो पद की बात करते हैं, BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इंडिया 1928 में इसकी स्थापना होती है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे इसका मुख्यालय, इसके अध्यक्ष रोजर मिनी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। यहाँ से थोड़ा अपने इसके उपरांत बात करते हैं, पुरुष और महिला क्रिकेट टीम होती है, पुरुष क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम। पुरुष क्रिकेट टीम के अध्यक्ष की बात करें तो सौरभ गांगुली कोच, सौरभ गांगुली। महिला क्रिकेट टीम के कोच की बात करें तो ये है रमेश पवार, सौरभ गांगुली और रमेश पवार ये दोनों अपनी टीम के कैप्टन है, कोच है। इसके उपरांत बात करते हैं पुरुष की जो क्रिकेट टीम है, इसके कप्तान कौन है, तीनों फॉर्मेट का मतलब T20 वनडे और टेस्ट मैच, ये है रोहित शर्मा। ये रोहित शर्मा अभी बने विराट कोहली ने अभी संन्यास लिया था तीनों फॉर्मेट से, उस टाइम रोहित शर्मा को इसका कैप्टन बनाया गया। इसके साथ बात करते हैं महिला क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम के कप्तान की बात करें वो भी तीनों फॉर्मेट में, यानी टेस्ट वनडे और ओडीआई। इसमें बात करते हैं इसमें हरमन प्रीत कौर है, तो ये भी एक करंट का क्वेश्चन आया, इससे बोलो जितने पास थे। नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे भारत वर्ल्ड कप कब जीता, T20 वनडे ओडीआई, यानी कि कुल मिला के सभी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।